लगातार भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले रही है, निशाना साध रही है ममता बनर्जी पर। इससे पहले हमने देखा किस तरह बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा था कि संबंध बहुत गहरे हैं। शहजाद ने कहा टीएमसी का मतलब द माउंटेन ऑफ करप्शन है, ये संज्ञा दी थी शहजाद पूनावाला ने। और दिलीप घोष ने क्या कहा है कि ममता की देखरेख में पूरा घोटाला हुआ, ममता बनर्जी की चुप्पी काफी कुछ बता रही है। ममता बनर्जी कुछ बोलती क्यों नहीं, ये बीजेपी पूछ रही है। सुनिए क्या कहने दिलीप घोष। हमारे साथ बंगाल बीजेपी से सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष। दिलीप घोष जी, पार्थ चटर्जी का मामला जो है, अब उसमें जो अरेस्ट मेमो है उसमें ईडी में दिख रहा है कि उसने ममता बनर्जी को फोन करने की कोशिश की, 3-4 फोन किए लेकिन ममता फोन पर नहीं आई। अब वहां क्या हो मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन ये बात लिखित में भी ईडी ने लाया है कि 3 बार फोन किया, फोन नहीं उठाया। अब जान लीजिए जो भी घटना होती है उसके परिणाम क्या होने वाला है ममता बनर्जी को मालूम रहता है, सब कुछ उनके जानकारी में ही हुई है, आज अनजान बन रहे हैं। इसके पहले भी एक नेता हॉस्पिटल में भर्ती थे जिनका बॉडीगार्ड के पास से 150 करोड़ का धन मिला है, उनको भी कोई देखने तक नहीं गया और उनके बहुत नियरेस्ट है केस्टोदा। अब पार्थ वो भी उनका बहुत चाहते हैं, पार्टी का शुरुआत से साथ हैं, महामंत्री है, मंत्री है, ये घोटाले के कारण उनका दफ्तर बदला गया है, लेकिन तो है। हमारे साथ बंगाल बीजेपी से सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष। दिलीप घोष जी, पार्थ चटर्जी का मामला जो है, अब उसमें जो अरेस्ट मेमो है उसमें ईडी में दिख रहा है कि उसने ममता बनर्जी को फोन करने की कोशिश की, 3-4 फोन किए लेकिन ममता फोन पर नहीं आई। अब वहां क्या हो मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन ये बात लिखित में भी ईडी ने लाया है कि 3 बार फोन किया, फोन नहीं उठाया। अब जान लीजिए जो भी घटना होती है उसके परिणाम क्या होने वाला है ममता बनर्जी को मालूम रहता है, सब कुछ उनके जानकारी में ही हुई है, आज अनजान बन रहे हैं। इसके पहले भी एक नेता हॉस्पिटल में भर्ती थे जिनका बॉडीगार्ड के पास से 150 करोड़ का धन मिला है, उनको भी कोई देखने तक नहीं गया और उनके बहुत नियरेस्ट है केस्टोदा। अब पार्थ वो भी उनका बहुत चाहते हैं, पार्टी का शुरुआत से साथ हैं, महामंत्री है, मंत्री है, ये घोटाले के कारण उनका दफ्तर बदला गया है, लेकिन तो है मामला, वो जानते हैं और वो देख रहे हैं, पानी माप रहे हैं कहां तक जाएगा मामला। अगर एक दो नेता और पकड़े जाए तो रास्ता में उतर जाएगी ममता बनर्जी, मतलब किनारा काट रही है। मतलब आपको लग रहा है कि इसका इस पूरे मामले की जो जांच है उसकी आंच कहीं ना कहीं ममता तक जा सकती है? नहीं, दो दिन पहले तो ईडी सीबीआई को धमकी दिया जा रहा था, बीजेपी को धमकाया जा रहा था, ममता बनर्जी यहां तक बोल दिया हम यहां से लोगों को लेकर दिल्ली में घेराव करेंगे, लेकिन जैसा पैसा आया सामने आप बोलते हैं कि पैसा के साथ हमारा कोई मतलब नहीं, महिला के साथ मतलब नहीं। तो पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का शिकंजा कसता हुआ आज पेशी होगी अर्पिता मुखर्जी की। वहीं दूसरी तरफ भुवनेश्वर से भी खबर आ रही है, एम्स भुवनेश्वर में जो है अस्पताल में पहुंच चुके हैं पार्थ चटर्जी। कल उन्हें झटका लगा था कोर्ट से जब कोर्ट की तरफ से कहा गया कि SSKM अस्पताल में उनका इलाज नहीं चलेगा, एम्स भुवनेश्वर में इलाज कराया जाए। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, लगातार बीजेपी हमलावर है। अमित मालवीय ने जो निशाना साधा है उनका ट्विटर हैंडल हम आपको दिखा रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने भी वार किया और कहा टीएमसी का मतलब द माउंटेन ऑफ करप्शन का, यानी कि भ्रष्टाचार का पहाड़ है टीएमसी। वहीं ममता बनर्जी को पार्था ने 4 कॉल किए थे, दरअसल वो मेमो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो ईडी का अरेस्ट मेमो है। पार्थ चटर्जी बार बार कॉल करते हैं ममता बनर्जी को, लेकिन ममता बनर्जी कॉल रिसीव नहीं करती हैं। और ये दर्द पार्थ चटर्जी का तब भी देखने को मिला था जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, ममता जी से मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, मैंने ममता जी से बात नहीं की है।